स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। नवरात्रि और रामनवमी का पर्व भक्तों और श्रद्धालुओं ने मनाया धर्म मय वातावरण में भक्ति भाव से। मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन कर लिया धर्म का लाभ। नीमताल गांधी चौक पर आशा उत्सव सहयोगी कार्यकर्ताओं का कई दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन। प्रशासन ने थमाया नोटिस। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने व बंगला खाली कराने पर सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिए पोस्टर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आशा उषा और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी मांगे यथावत बनी हुई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस भी थमाया गया। नीमताल गांधी चौक परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान उनसे हुई चर्चा तो उन्होंने बताया कि यह सरकार का तानाशाही रवैया है। नाम निधि शर्मा है, मैं विदिशा की जिला सचिव हूँ। कल ही हम लोगों को कलेक्टर साहब के माध्यम से मालूम चला है कि पूरे अधिकारी कर्मचारियों को 4171 अधिकारी कर्मचारियों को सो काट नोटिस जारी किए गए हैं। विदिशा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका में जो विदिशा जिले की अध्यक्ष हैं श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव व मुझे निधि शर्मा को नोटिस जारी किए गए हैं सेवा समाप्ति के। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जो लोग हमारे लाडली बहना में कार्य में सहयोग नहीं दे रहे हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लाडली बहना ही ना माना जाए। अब मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यदि लाडली बहना ना माना जाए तो क्या माना जाए, इसका उत्तर वो स्वयं दें। यदि कोई अपने हक का अधिकार की बात करता है तो उसे सेवा से हटा देना चाहिए क्या? यही उनका न्याय है? यदि उनका शासन है, वो सत्ता में हैं, तो इस प्रकार का अहंकार और मद अच्छा नहीं है। इसका वो खुद ही समझ लें कि आगे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ उनके बारे में, वो खुद सोच लें। आज नवरात्रि का पर्व है, घर घर माता जी की पूजा हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मजबूरी है हम लोगों की यहाँ बैठना। घर में पूजा पाठ चल रही है, घर के अन्य लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें पंडाल में यहाँ बैठना पड़ रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की ओर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने व बंगला खाली करवाने की स्थिति में शहर के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता प्रसंग जैन के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। पोस्टर पर लिखा हुआ था, हमारा घर राहुल गांधी को समर्पित। प्रदर्शन किया और अपनी बात मीडिया से साझा की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रसंग जी क्या है आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और युवक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। राहुल गांधी जी को अपना नेता, अपना आदर्श मानता हूं। ये आज हमारा घर राहुल के लिए समर्पित, क्या है पूरा मामला? ये आप सभी को जैसा ज्ञात होगा कि देश में जो अभी हालात चल रहे हैं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज करने, निष्कासित करने के बाद उनका सरकारी बंगला भी उनसे ले लिया गया है। और राहुल गांधी जी पे पिछले 52 सालों से खुद का कोई घर नहीं है। 1969 में इंदिरा जी ने अपना जो आनंद भवन इलाहाबाद में घर था वो देश को समर्पित कर दिया था। तो आज हम युवाओं की ये भावना है, सभी सब अपना ये भावना लेकर आज आए हैं कि हमको हम अपने घरों को राहुल गांधी जी को समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि राहुल जी हमारे घरों पर आएं, हमारे यहाँ रहें, हमारे साथ समय व्यतीत करें। यही हमारी नवागत एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने अपना आज पदभार ग्रहण किया। पूर्व एसपी मोनिका शुक्ला ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं दी और शहर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की बात कही। डीआईजी
जी जी पहले डी आई डीआईजी का पहला जिले का दौरा दो कागज में गलती से इम्प्रिंट हो गया तो वो चेंज करा दो। ये है सर आपके। देखिए आज मैंने विदिशा जिले के एसपी का कार्यभार ग्रहण किया है और जैसा कि चूंकि हर जिला अपने आप में एक डिफरेंट यूनिक प्रोफाइल का होता है, वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, जन अपेक्षाएँ क्या हैं, इसको जानते हुए समझते हुए हम लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे। प्राथमिकता कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, चूँकि हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं तो विविध हमारे सामने जो चुनौतियाँ आती रहती हैं समय समय पर, कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था की बात हो, महिलाओं बच्चों से संबंधित अपराध हों, संपत्ति संबंधी अपराध के मामले हों, कम्युनिटी पुलिसिंग या जनभागीदारी जनसंवाद की विषय की बात हो, तो अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम करेंगे। जन जागरूकता, साइबर अपराध को रोकने के लिए काम करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन एक विविधता भरे क्षेत्र में हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने का कोशिश करेंगे। सर नया कुछ देखने को मिलेगा अपराधों में या? जैसा मैंने कहा क्षेत्र को समझ के यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ की क्या आवश्यकताएं हैं, और चूंकि पहले से सिस्टम्स काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं, कहाँ पे किस चेंज की जरूरत है उसको समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। रामनवमी व नवरात्र के अंतिम दिन मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु पहुंचे। पूजा पाठ व हवन यज्ञ में भक्तों ने शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। श्री रघुनाथ मंदिर के पुजारी ने नवरात्र व रामनवमी के महत्व पर प्रकाश डाला। नारायण प्रसाद शर्मा। आज क्या पर्व है? ये मैं पुजारी रघुनाथ जी मंदिर का हूँ, श्री मोहल्ला में जो रघुनाथ जी का मंदिर है, ये कम से कम 40-41 साल हुआ है इस मंदिर को बने हुए हैं। यहाँ पर राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल, वो अपार भीड़ आती है और भक्तजन प्रसाद वितरण होता है, खीर का वितरण होता है और जहाँ राम जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी भजन कीर्तन हुए हैं, इसके बाद में शाम को भी भजन कीर्तन होंगे और वहाँ आती हुई 12 बजे तो उसमें अपार भीड़ थी। रामचंद्र भगवान की जय। आज राम नवमी का पावन पर्व है, इस उपलक्ष्य में आज रघुनाथ मंदिर में बड़े जन्मोत्सव से बड़े धूमधाम के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। आज भगवान राम ने जन्म लिया था, इस उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। आज भगवान कई भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनघन श्यामा निज आयुध विचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी विप्रधैन सुर संतित लीन मनोज अवतार। विप्रों के लिए भगवान ने अवतार हुआ उनका, विप्रों के लिए विप्रधैन सुर धैनु माने गाय, गाय सुर माने देवता, विप्रधैन सुर संतित संतों के लिए भगवान ने ऐसे विप्रों के लिए जन्म लिया और आज रामनवमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। नवरात्र पर्व के चलते नवमी पर माँ दुर्गा के दर्शनों के लिए भक्तों का मंदिरों में तांता लगा। माँ की पूजा व आराधना में भक्त लीन रहे। दुर्गा माता मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी।
द्वारा देवी महंत रामलीला चतुर्वेदी मंदिर दुर्गा मंदिर की समस्त जनता के लाने आशीर्वाद हृदय से देते हैं। आज हमारा विशेष पर्व भगवती की कृपा से हवन प्रारंभ हो चुका है, तो शाम को हवन हो जाएगा, शाम को दूतों को विसर्जन है, तो सब आज की माँ की कृपा आशीर्वाद सबको बनाए। काशी मोहल्ला स्थित माता मड़वाली माँ के दरबार में भक्त व श्रद्धालु पहुंचे। जवारे पूजा के दौरान भक्त उपस्थित रहे, वहीं रामनवमी के अवसर पर पूजा पाठ में श्रद्धालु शामिल हुए। नगर में इन दिनों बढ़ती आवारा मवेशियों के कारण लोगों की परेशानियां सड़कों पर देखी जा सकती हैं। ऐसे में देखा गया कि दो सांड आपस में काफ़ी देर से लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया था, लोगों की आवाजाही रुक गई थी। देखिए आप नज़ारा। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एंटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
लॉकडाउन की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनजी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सकते।